बच्चे की किलकारी को अपने घर आंगन में सुनने की ख्वाहिश हर दंपत्ति की होती है, लेकिन सभी इतने खुशनसीब नहीं होते। सुनी कोक का दंश न जाने कितनी महिलाओं को झेलना पड़ता है। निसंतान दंपतियों के लिए IVF तकनीक उम्मीद की एक किरण है। ये मासूम IVF तकनीक की ही देन है। आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि ये तकनीक क्या है और कैसे काम करती है। आमतौर पर महिलाओं में 50 वर्ष की उम्र में एग फॉर्मेशन बंद हो जाती है। IVF तकनीक में दूसरी महिला के एग को लेकर उसका संपर्क पुरुष शुक्राणु से कराया जाता है और फिर इसे 2 दिन के लिए मशीन में रखा जाता है। फर्टाइल होने के बाद इसे निसंतान महिला के गर्भाशय में डाला जाता है। IVF तकनीक उन दंपतियों के लिए, जैसे कि जानते हैं, शुरू हुआ है जिनकी ट्यूबें खराब होती हैं या किसी जिनके अंदर बहुत सालों से बिना किसी कारण के बच्चा नहीं ठहरा होता, तो उन दंपतियों में क्या किया जाता है, औरत के अंडे बनवा के उसको भ्योज करके बाहर निकाल लिया जाता है और आदमी के शुक्राणु से उन्हें मिलाया जाता है। उस बीज को मशीन में रखा जाता है 2 दिन के लिए और फिर उस बीज को 2 दिन बाद बच्चेदानी में डाला जाता है। इसको IVF टेक्निक कहते हैं। डॉक्टर मल्होत्रा के अनुसार उन्होंने 2005 में निसंतान दंपतियों के लिए इनफर्टिलिटी क्लिनिक की शुरुआत की। IVF सेंटर में आधुनिक मशीनें लगी हैं और एम्ब्रियोलॉजी की टीम में डॉक्टर सुषमा वैद जर्मनी से ट्रेंड हैं। क्लिनिक में अब तक इस तकनीक से हजारों निसंतान महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया है और इस तकनीक में उन्हें दवाइयों के अलावा सिर्फ 30,000 रुपए का ही खर्च वहन करना पड़ता है। आज हॉस्पिटल IVF सेंटर 2005 से ये एक इनफर्टिलिटी क्लिनिक के रूप में शुरू हुआ था। तब हमने सिर्फ निसंतान दंपतियों का एक कंसल्टेशन शुरू करी और एक IUI टेक्निक होती है उसके द्वारा बच्चों को ठहराना शुरू किया। तब से लेकर अब तक इस अस्पताल में हजारों बच्चे उस विधि का प्रयोग कर चुके हैं और उन्हें यकीन है अपनी सूनी कोख को भरा भरा करने के सपने पाले दंपतियों के लिए IVF तकनीक किसी वरदान से कम नहीं, लेकिन खर्च ज्यादा होने की वजह से ये सबके लिए मुमकिन भी नहीं। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि इस तकनीक को कमजोर वर्गों के लिए भी सर्व सुलभ बनाया जाए ताकि किसी माँ की कोख सूनी न रह जाए। फोकस हरियाणा के लिए रोहतक से अनुज नरवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।